हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद मी। तो अभी सुबह के टाइम में मैं उठ के सारा घर के काम कर रही हूँ और इन लोगों को देखिए आप, इन लोगों को देखिए सुबह सब काम करते हैं और ये लोग फोन में लग गए। ये वाली छोटी वाली बदमाश, इसका एग्जाम है, इसको देखिए आता है बिना पढ़े ही सब आता उसको। वो जब छोटा था तो एग्जाम देने जाता था तो मैं बोलती थी क्या किया बेटा तुमने आज स्कूल में, बोला मैंने 100 में 100 100 में 100 100 में 100। वो हमेशा एक ही बात बोलता है 100 में 100, उसको कभी पेपर कभी ये नहीं, वो हमेशा एक ही बात बोलता है। तो अभी भी वो बचपन वाला जो बात है वो अभी भी उसको वही बोलता है अभी भी, हाँ मुझे सब आता है। तो ऐसा कोई इंसान नहीं उसको सब आता है बिना पढ़े। तो अभी मैंने सोचा मैंने घर का काम वाम खत्म कर लूँ, उसके बाद थोड़ा सा आज थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए मैं साड़ी पहनूंगी। तो देखिए तो घर का काम खत्म कर लेते हैं। दाई आई दाम ओके ला इधर दो, हम देने बोले हैं तुमको। और इतना सारा कम्बल होने की वजह से देख सकते कितना ज़्यादा घेरा हुआ है पलंग पे, दिख रहा है बहुत सारा कम्बल ही कम्बल। वहाँ है 3-4 कम्बल, फिर यहाँ पर भी है। तो इसी तरह से फैला हुआ है घर। आप लोगों को तो पता है अभी दिल्ली से आके फिर भी बहुत काम ख़त्म कर लिया है मैंने। ये देख सकते हैं कितना सारा कपड़ा हुआ था, तो सारे बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे तो वो सब मैंने धो धा लिए हैं। अब धीरे धीरे इसको देखिए, तुम क्या कर रही हो श्रीजा, श्रीजा ये लगा रही हो। गुड मॉर्निंग बोलो, बोलो गुड मॉर्निंग गाइस, बोलो गुड मॉर्निंग, बोलो बोल बे ना, चलो लाओ मेरा सामान वापस करो, चलो गुड मॉर्निंग बोलो, बोलो बोलो गुड मॉर्निंग गाइस। गाइस मैं अभी बनाने जा रही हूँ, ये बीट है और हमने यहाँ नए आलू लिए हैं, एक सीम पड़ी हुई तो सीम भी ले ली, टमाटर और प्याज बीन्स, इन सबको हम नमक और हल्दी डाल के उबाल लेंगे। बनाने जा रही है ये वाली मछली, तो इसको बोलते हैं सिंग माछ। तो ये जैसे मटन के दाम क्या आते हैं 700 रुपये किलो, इस तरीके का इसका रेंज है। तो ये महंगी आती है जिंदा मछली होती है, तो मैंने इसको नमक डाल के इसको मार लिया है। अब हम इसको काट लेंगे, इसको काटना बहुत ही आसान है। इसमें ये जो है ना काटा, इसको हम निकाल देंगे बस ये हो जाएगा पूरा, इसमें कोई काटा नहीं, और काटना बहुत ही आसान है। थोड़ा सा नमक डाल के इसको घिसने से ही साफ़ हो जाती है। तो हमने इसमें नमक और हल्दी डाल दिया, अब उसको बॉईल कर लेंगे। तो ये मछली मैंने फ्राई करके इसमें जीरा डाल के छौंक लगा दिया इसमें। तो ये हमने दूसरी मछली फ्राई की थी तो वो भी हम चढ़ा दे रहे हैं, पैन डाल दिया हमने पचफूरन, उसके बाद डाल दे रहे हैं इसमें कद्दू, आलू, प्याज और हल्दी, और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और कर लेंगे इसको मिक्स। नमक हमने पहले डाल दिया था तो ये हमारा मिक्स हो चुकी है, अच्छी तरह से भून चुकी है हमारी सब्ज़ी। हम डाल दे रहे हैं इसमें पानी और अब हम खदकने देंगे थोड़ी देर, सब्जी को बढ़िया से खदकने देंगे। तो हमने इसमें पानी डाल के उसको ढक दिया है, तो हमने सब्जी को ढक दिया है और ये सब्ज़ी हमारी खदक चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे मछली, और मछली थोड़ी सी हमारी खदक जाएगी तो फिर हम इसको भी गैस को कर देंगे बंद। तो गाइस ये हमारी सब्जी भी खदक चुकी है, देख सकते हैं तो ये रेडी हो चुकी है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो कल मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ, आज के लिए टाटा।